ये समी पेड़ है, समी पेड़ का जो पत्तों का रहस्य है, आपके जन्म कुंडली में या आपको धन दोष लगा हुआ है, मौनी धन का समस्या लगा रहता है, धन बरकत नहीं हो रहा, घर में आता तो है धन, बरकत नहीं होता है, तो आप घर में सर्वप्रथम नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग स्थापना कीजिए। और ये समी पत्र है और चावल राइस से आप नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का पूजन अपने हाथों से कीजिए। 2 मिनट लगता है पूजन, तो देखते ही देखते आपका जो धन दोष है, कर्ज दोष है, आप धन से परेशान है, कट जाएगा। नर्मदेश्वर को महाज्योतिर्लिंग कहा गया, भारत देश में हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है, उनके ऊपर जो है नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग, यह अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है, उसे कोई प्राण प्रतिष्ठा करने का जरूरत नहीं है। नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग आप कहीं से भी ले आइए, और न मिले तो मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा, हम बाय पोस्ट नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग भिजवा देंगे। चावल और यह समी पत्र, एक बार आप कहीं से भी समी पत्ता ले आइए, 12 वर्ष तक वासी नहीं होता। देखिए मैं भुवनेश्वर में जहां रहता हूं, पेड़ देखिए, और हर घर में देखिए, कुछ हो चाहे ना हो, 2 पेड़ तो होना चाहिए गमलों में, एक समी पत्ता का और एक जो है हर क्षेत्र में जय विजय के लिए अपराजिता का। ये देखिए समी पत्ता, एक बार खोल के रख लीजिए, 12 वर्ष तक कुछ होने वाला है नहीं। आपका जमीन वगैरह बहुत ज्यादा है कहीं गांव देहात में, तो रुद्राक्ष का भी एक पेड़ जरूर लगाइए, रुद्राक्ष पेड़ है, रुद्राक्ष पेड़ बहुत जल्दी से बढ़ता है और उसका देखरेख भी कोई खास नहीं है। कभी कभार 1-2 अगरबत्ती लगा दीजिए और रुद्राक्ष पेड़ को और शक्तिशाली बनाना हो तो रुद्राक्ष पेड़ के नीचे एक नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग रख दीजिए। देखिए पृथ्वी धरती पे जब एक भी मंदिर नहीं था, तब जो है ऋषि मुनि नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का ही पूजन करते थे। नर्मदा नदी से उत्पत्ति नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग, यह अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है, तथा उस नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग से सरस्वती का वरदान तुरंत मिलता है। उसके लिए सिर्फ आपको नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग जिसके घर में भी है, हर रोज थोड़ा सरसों तेल लगाइए और सरस्वती वरदान। आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि विद्वान बने, कुंवारी कन्या लड़की भी, आप भी नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का पूजन कीजिए, जन्म कुंडली दोष जड़ से निवारण होगा। और आलू, आलू ही सरस्वती है, एक आलू चढ़ा दीजिए 15-20 दिन तक के बाद फिर चेंज कीजिएगा। बोलना क्या है नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग को कि हे महाज्योतिर्लिंग देवाय, हमें लोहो पुरुष बनाइए, अपार सुख, अपार शांति, अपार धन दीजिए और सरस्वती का हमें वरदान दीजिए, वाणी में तेज दीजिए, मस्तक में सरस्वती का वास, जीभा में सरस्वती का वास, इतना ही बोलना है। 2-4 मिनट पूजन, और ये समीपत्ता अगर आपके क्षेत्र में है तो ठीक है, नहीं तो कोशिश कीजिए, अगर ना मिले तभी मेरे से चैटिंग कीजिएगा, मैं बाय पोस्ट भिजवा दूंगा अगर ना मिले तो। और नर्मदेश्वर जो महाज्योतिर्लिंग है, जितना छोटा से छोटा हो सके, छोटा दिखाइएगा, उसमें अनेक विद्याएं प्राप्त होंगे। जैसे कि आप भजन गायक हैं या गायिका हैं तो बहुत तेज आप सिंगर बन सकती हैं, आप प्रवचन देना चाहती हैं, व्यासपीठ में बैठना चाहती हैं, तो नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग को बोलिए कि हमें प्रवचन स्पीच देने का वरदान दीजिए, तो वरदान मिलता है नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग से। नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग जिसके घर में है वहां बीमारी प्रवेश नहीं कर सकता,
जो बीमार व्यक्ति हैं घर में पहले नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग स्थापना कीजिए। 2 मिनट लगता है पूजन। जलाधारी में अशोक सुंदरी देवी है, वह बहुत जल्दी आशीर्वाद देती हैं। जन्म कुंडली में जैसा भी दोष हो नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग पहले स्थापना कीजिए और उसके बाद बतला दूंगा आप अपना जन्म कुंडली दोष अपने से कैसे निवारण करेंगे। नर्मदेश्वर का हर एक कंकड़ शंकर है, अर्थात वहां उस नदी से उत्पत्ति छोटा से छोटा कंकड़ भी शंकर, वहां भरपूर सकारात्मक ऊर्जा रहता है उस कंकड़ में, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जितने भी शिवालय हैं, शिव मंदिर, वहाँ जितने भी मंत्र छोड़े जाते हैं हर रोज, जो भी व्यक्ति जाकर पूजन करता है कि ओम नमः शिवाय, जितने भी मंत्र, वह सभी मंत्र सर्वप्रथम जाएगा नर्मदेश्वर नदी, और हर कंकड़ में वह मंत्र का सकारात्मक ऊर्जा रहता है, लेकिन इसे गुप्त रखा गया। और एक आपको रहस्य बतला रहे हैं, आप अपने पर्स में हमेशा दूब दल थोड़ा रखिए, और अपने दुकान में ग्राहकी को खींचने के लिए भी नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग बिठाइए। और ये देखिए एक लॉकेट है, ये मैं हमेशा रखता हूँ, ये लॉकेट अपने तिजोरी में रखिए, अपने गोदरेज में रखिए, हो सके तो पहनिए, नहीं तो तिजोरी, गोदरेज, आलमीरा, बच्चों के पढ़ाई के बैग में एक एक भर दीजिए, ये सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। आलू से अपार सरस्वती का ज्ञान प्राप्त होता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग के अलावा आप अगर दूसरा कोई भी शिवलिंग का पूजन अगर करते हैं घर में, चाहे चीना माटी का हो, चाहे भारत का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे क्रिस्टल का, आपको 1% भी फल प्राप्त नहीं होगा। यह वीडियो को जन जन तक भेजिए। मेरा नाम है सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूँ। आपके जीवन में जैसा भी दुख संकट कष्ट हो तो मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा। संतान आपको नहीं हो रहे हैं विवाह करने के वर्ष के बाद, तो आप गेहूं कनक, गेहूं को कनक बोला जाता है, नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग में आप कनक से पूजन कीजिए। 6 महीना में संतान होने का रास्ता खुल जाएगा। संतान दोष क्यों लगता है? हमारे जो मणिपुर चक्र है वह खराब होने के कारण ही संतान नहीं होते। मणिपुर चक्र नाभि में रहते हैं, और कमर से पूरे पांव तक जो दर्द दे रहे हैं आपके, या रीढ़ की हड्डी, तो वह दर्द का कारण है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र के देखे देवादेवी जो जो हैं, उनका आप अपने हाथों से पूजन कीजिए। मैं बता दूंगा सिस्टम, तो नाभि से लेके नीचे पांव तक जो भी दर्द है, ज्यादातर कमर दर्द देता है और रीढ़ की हड्डी, 6 महीना में दर्द गायब, दवाई खाना नहीं पड़ेगा। हमेशा हर रोज मस्तक पे दूब घास, जिसे दुर्बादल कहते हैं, श्री कर्पूर, गंगा जल, बेलपत्रा, और ये थोड़ा समी पत्ता बांट के एक डिब्बी में रख लीजिए, और हर रोज जो है थोड़ा थोड़ा मस्तक पे लगाइए, तो आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा। और आपको एक मंत्र बतला रहा हूँ जो कि बहुत ही आसान है, बच्चों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, माँ बहन के लिए भी। नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग घर में स्थापना करके हमेशा ओम सरस्वती देवी नमः, माँ ओम सरस्वती देवी भय नमः, ओम सरस्वती देवी भय नमः जाप कीजिए। लक्ष्मी और हर क्षेत्र में जय विजय सरस्वती ही करवाती है, लेकिन सरस्वती को गुप्त रखा गया। और सरस्वती का एक ही भोग है, आलू पोटैटो। आपके बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज हो जाएंगे, बच्चों को 1 मिनट बिठाइए स्कूल जाने से पहले या शाम को सायं को, और बच्चे अपने मुख से बोलेंगे कि हमें सरस्वती का अपार ज्ञान का भंडार भर दीजिए, बच्चे बोलेंगे। और देखिएगा 6 महीना के अंदर रिजल्ट। मैं पढ़ाई में 3 ही क्लास पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन आज वेद शास्त्र में मेरे जीवा में सरस्वती का वास है। जन्म कुंडली का एक एक रहस्य बतला दूंगा, पितृ दोष का एक एक रहस्य बतला दूंगा, कर्ज दोष कैसे छूटेगा बतला दूंगा।
व्यापार आपका कैसे तेज हो। सूर्य की तरह आप चमकदार बनना चाहते हैं तो नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग में गेहूं देना है आपको। सूर्य तेजस्वी संतान के लिए गेहूं देना है, राहु केतु दोष निवारण के लिए दूब द्रुवा काला तिल जो, पितृ दोष निवारण के लिए काला तिल और जो एक एक दाना देना है। सिस्टम बतला दूंगा मैं आपको। यह वीडियो को पहले एक ग्रुप या अपने 10 रिश्तेदारों तक बताइए। आपके जन्म कुंडली में कोई भी दोष हो, जैसे कि कई के जन्म कुंडली में रहता कि आने वाले समय में बहुत ही संकट है, तो आप महामृत्युंजय जाप का अनुष्ठान करवाना चाहते हैं किसी पंडित से तो ना करवाइए, मेरे से कनेक्ट हो जाइए, मैं बतला दूंगा। हर इंसान का कोई ना कोई शत्रु रहता है, भूत प्रेत राक्षस शक्ति माया भी शक्ति। शत्रु बुद्धि विनाश के लिए शिवलिंग में सरसों तेल और एक नींबू चढ़ा दीजिए, और आवारा कुत्ते जो गली मोहल्ले में घूमते ना, आवारा कुत्तों को जितना हो सके खाने के लिए दीजिए। ये देखिए समी पत्ता, ये भुवनेश्वर में जहाँ रहता हूँ वहाँ एक बार आप 1 किलो 2 किलो रख लीजिए, पाउडर बन जाएगा और सालों साल चढ़ाते रहिए। यह वीडियो को जन जन तक भेजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर इसके नीचे दिया गया है, मुझे कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप ओनली व्हाट्सअप चैनल। नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग आज ही बिठाइए, आप वहाँ जो भी बोलेंगे 12 ज्योतिर्लिंग तक जाएगा। लेकिन और जन्म कुंडली गलती से इन पंडितों को मत दिखाइए, ये बहुत बहुत ही झूठ बोलते हैं। पंडितों को बिल्कुल भी अपना जन्म कुंडली ना दिखाइए। घर में वास्तु और एक चीज बतलाना चाहता हूँ, आपका जो गोदरेज आलमीरा है और दक्षिण के दीवार में रखें, खुले तो उत्तर की ओर खुले, आपका पीठ जो है उत्तर की ओर हो जाएगा, क्योंकि उधर से ही लक्ष्मी का आपगन रहता है। वास्तु दोषी मकान में रहते हैं, चाहे किराए का हो चाहे नया हो अपना हो जो भी हो, तो वास्तु को कंट्रोल कर देगा नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग। आपके कमर में दर्द है, देखिए ये मूलाधार चक्र की 3 देवी देवता हैं, श्री गणेश और महाकाल। नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग जब लिखा गया वेद शास्त्र तब नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग का ही वर्णन लिखा गया, लेकिन कोई नहीं बतलाता है पंडित लोग। और महाकालिका देवी है, आपके क्षेत्र में महाकालिका देवी है मंदिर, तो महीना में एक बार जाइए, 27 लींबू का एक माला बनाइए, थोड़ा सरसों तेल लगा दीजिए और थोड़ा सिंदूर और दूब घास दुर्वा दल और बेलपत्रा और एक रुद्राक्ष माला और उसमें एक तंबा का नाग सर्प लगा के बेलपत्रा के साथ चढ़ा दीजिए देवी को, और 2 रुपया का सिक्का दे दीजिएगा एक, और थोड़ा श्रीकरपुर, सभी आप किसी भी मंदिर में कुछ भी भेज कीजिए, श्रीकरपुर जरूर चढ़ाइएगा, माने उसमें सुगंध आना चाहिए श्रीकरपुर का, कोई भी मंदिर में आप जाइए। आपका कमर दर्द देखिएगा, दवाई से जो काम नहीं कर रहा है वह ठीक हो जाएगा, जोड़ों में दर्द घुटनों का दर्द सब जो है मूलाधार चक्र का, नाभि चक्र, पेट में गैस्ट्रिक है, पेट दर्द दे रहा है। नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग बिठाइए घर में और विष्णु सहस्र नाम का पाठ कीजिए, तो पेट दर्द नाभि दर्द बहुत रहस्य है 7 चक्र का, व्हाट्सएप से जुड़ जाइए बतला दूंगा। ये देखिए समी पत्ता का पेड़ आदि ले आइए घर में, और अपराजिता का पौधा जरूर लगाए। नर्मदेश्वर महाकालेश्वरा जो महाज्योतिर्लिंग जिसके घर में वास हो, तो वायुमंडल में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा घूमते रहते हैं वह अपने आप नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग कंट्रोल कर लेंगे। आज ही नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का स्थापना कीजिए। महिलाएं बेटी आपके लिए बहुत आसान है पूजन, 5 मिनट का पूजन बतला दूंगा। यह वीडियो को जन जन तक भेजे, एक ग्रुप में भेजे, घर का दोष निवारण हो जाएगा। जन्म कुंडली किसी को ना दिखाए, पंडित लोग झूठ बोलते हैं जन्म कुंडली को देख के। ये देखिए इतना बड़ा पेड़ देखिए,